ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के अगर कोई भी मन में बोझ है, चिंता है, या किसी भी प्रकार का संकल्प है, वो शुभ संकल्प भी हो सकता है। कभी कभी हमारे शुभ संकल्प भी मन को बोझिल कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, मन को बोझ से रहित करके बेफिकर बादशाह बन जाओ। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। अगर कोई भी बोझ है, सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा के साथ, संपूर्ण निश्चय के साथ ऊपर वाले को सौंप देंगे। जहाँ हमारा वश नहीं चलता, सामर्थ्य शक्ति फेल हो जाती है, वहाँ उस सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तियाँ शुरू होती हैं। और शिव बाबा के डिक्शनरी में कोई भी असंभव नाम का शब्द है नहीं, केवल उसको सौंपने की बात है। तो दिल से सौंप दीजिए, तहे दिल से। इसी तरह सौंपिए जैसे अर्जुन का एक दृष्टांत दिखाते हैं कि महाभारत युद्ध में जब जयद्रथ वध करना था, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की जोश में आकर। कभी कभी हम भी जोश में आकर ना होश थोड़े से खत्म कर देते, काम नहीं लेते। तो प्रतिज्ञा ये की कि अगर सूर्यास्त से पहले मैं इसका वध नहीं कर दूं, तो खुद जलती चिता को समर्पित हो जाऊंगा। सबके सामने खुली प्रतिज्ञा थी। वो भूल गए कि कौरव षड्यंत्रकारी हैं, वो भी रणनीति बैठकर बनाएंगे, जयद्रथ को संध्या काल तक तुम्हारे सामने आने ही नहीं देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी नीति बना लेंगे। अब वो तो बोलकर चले आए, लेकिन श्री कृष्ण बहुत चिंतित है उस टाइम पर। सोच विचार चल रहा उनका, क्या कराए ये जोश में, कैसी प्रतिज्ञा कराए, क्या होगा कल। रात हो गई है लेकिन उनको नींद नहीं आ रही, वे घूम रही हैं, विचार कर रही हैं, कल के बारे में सोच रही हैं। तो उनको लगा, जब मेरी ये स्थिति है, मेरे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो अर्जुन तो सोया भी नहीं होगा, उसको तो कल बड़ा भारी युद्ध करना है, तो चलूँ जाकर के उससे मिलूँ। उनके विश्राम गृह में जब पहुँचते हैं श्री कृष्ण, तो देखते अर्जुन तो बड़े सुकून की नींद सो रहे हैं, बड़ी मीठी नींद सो रही है घोड़े बेच करके। श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य लगा, मेरी सोच सोच के कल के बारे में ये स्थिति हो गई और ये बड़े आराम से सो रही है, इनको कल का कोई फिक्र नहीं, कोई रणनीति बनाई नहीं बनाई, ऐसे ही सो गए आकर के। उन्होंने उनको जगाया, पूछा, वत्स, तुम्हें कल के बारे में जरा भी तनिक भी चिंता नहीं? तो अर्जुन ने मुस्कुरा करके कहा, कान्हा, जिसके बारे में रात को जाग जाग कर आप सोचते हो, उसे भला चिंता की क्या बात है, उसे जागने की क्या जरूरत है। समझे? अगर हम अर्जुन जैसी दोस्ती बाबा से कर ले, अपने सारे दिल का हाल उसको सुनाए, उसे बांध ले प्रीत की रीत में, तो फिर हमारे लिए सोचने का भी काम कौन करेगा? हमें सोचना पड़ेगा?